नीतीश के इस कदम को कहीं ना कहीं सियासी आत्महत्या बता रहा है। और क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए इस रिपोर्ट में। सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले ही इंडी अलायंस खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार को गिराकर एनडीए की सरकार बनाकर इसकी शुरुआत कर दी है। मतलब जिसने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया वो ही बाहर निकल गया है। जिसने पहली बार 18 पार्टियों की मीटिंग पटना में बुलाई थी उसे पता चल गया कि कांग्रेस के साथ फायदा कम नुकसान ज्यादा है। बहने भी थे, बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है। वो जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ हम यहाँ है भाई। सबको ये फोन करके चार दिन कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। नीतीश की पलटी मार कला पर कांग्रेस आग बबूला है। लगातार जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते। बिहार के सियासी जलजले का असर यूपी में भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अच्छा हुआ जल्दी उनकी कलाई खुल गई। देखिए, इंडिया गठबंधन अपनी जगह पे मजबूती से खड़ा है। सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हुआ और मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि बड़ी जल्दी उनकी कलाई खुल गई। अगर बाद में कुछ ऐसा हो जाता तो ये बाद में इंडिया गठबंधन को जो सेबोटेज करते, जो नुकसान पहुंचाते, वो और ज्यादा खतरनाक होता इलेक्शन के बाद। इधर एनडीए के सहयोगी एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि गठबंधन से ऊबकर नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया है। जहां तक नीतीश जी के उधर जाने का सवाल है जी, जो विपक्षी गठबंधन बना उस गठबंधन से ऊब करके नीतीश जी जब उन्होंने देखा कि ये गठबंधन के लोग सिर्फ कमरे में बात करते हैं, धरातल के कोई काम नहीं, तो वो उब गए और उब करके उन्होंने किनारा कस लिया। उसकी जिम्मेदार ममता जी पहले साथ छोड़ दी जी, नीतीश जी दूसरे नंबर पर, तीसरा नंबर भी जल्दी आपको उधर पंजाब ने भी मना कर दिया कि यहां समझौते नहीं होंगे, अब नंबर दिल्ली का है। संत समाज भी नीतीश की पलटी मार सियासत पर अपनी राय रख रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने नीतीश को पलटू राम बताया है। क्योंकि नीतीश को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था, ओ तो पलटू राम वही है, तब अब वह सही सही राम जी के साथ राम जी के चरणों में पलट गए। जब रावण का भाई विभीषण राजनीति में राम जी के शरण में आ सकता है तो नीतीश के आने में क्या अंतर पड़ता है। बहरहाल बिहार का ये सियासी एपिसोड साफ बता रहा है कि दुश्मन दोस्त हो गए हैं और दोस्त दुश्मन। नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बीते दो दशक में पीएम मोदी की सियासत का यही परिचय है। वहीं राहुल गांधी की पार्टी